I'll start from good evening, all the distinguished participants attending this today's seminar. Let me introduce myself. As introduction has already been given, I am Rakesh Shukla. I am circle head in PNB, and on behalf of Punjab National Bank, I welcome and all of you and extend warm greetings to all of you. I'll start from where this wish and our MD Naveen Jain has started, and on PPP, importance of PPP, and next how my bank can strengthen the system ecosystem of PPP. यहाँ जैसा कि राजस्थान में है, हिंदी मंथ भी है, तो I would present my points in Hindi, and I would like I seek forbearance from those. I think everybody in this hall audience is comfortable with Hindi. इकोसिस्टम की अगर हम बात करें पीपीपी की, कुछ डेटा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. क्यों जरूरी है, क्यों के बारे में कोई डाउट नहीं. मिशन डायरेक्टर नवीन जैन ने आपको बताया क्यों जरूरी है. कुछ डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा. अभी अगर देखें इंडिया का सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज 27% ऑफ जीडीपी. एक्सपेंडिचर टर्म्स में देखें दैट इज अबाउट 25%. हेल्थ सेगमेंट में देखें तो इट इज अ मेयर 4.9% इन एक्सपेंडिचर टर्म्स. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का, इट हैज रैंक्ड इंडिया एट 143rd रैंक अमंग्स 190 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंडिया में इट कम्स टू $146 इन पीपीपी टर्म्स, जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो केवल है $44 एट पीपीपी. तो एक बात तो क्लियर है कि बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जो हम एनविसेज करते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर का, दिस कैन नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड. अब मैं सीधे आता हूं कि बैंक में हम कैसे इसमें एसोसिएट हो सकते हैं, इसको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं. आपने देखा होगा ये अपनी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया जो लॉन्च करी है, एम्बिशियस प्रोग्राम है, और यहाँ पर सभी हैं, इवन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स हैं, हमारी फाउंडेशन जैसे विश फाउंडेशन है. तो मेरा जो विज़न है कि हम इसमें थ्रू दिस स्टैंड अप इंडिया हम एसोसिएट हो सकते हैं इस पीपीपी मॉडल में. जो फाइनेंसिंग की नीड्स है 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसमें कवर हो सकती हैं. मेरा विज़न तो ये है कि इवन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, दीज कैन बी गिवन टू प्राइवेट कंसर्न्स. आप जैसे लाइक विश फाउंडेशन को दे सकते हैं, और उसमें वी कैन एसोसिएट अवर सेल्फ एज फाइनेंसर अंडर दिस स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम. तो ये एक मैंने देखा है कि एरिया है जहाँ पर हम एसोसिएट होकर के पीपीपी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. मेरा ये सबमिशन है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप इसको आप पहुँचा सकते हैं अपने जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी ग्रुप्स हैं. लाइक विश फाउंडेशन में भी अगर वो लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीमेन या एससी एसटी कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम. दूसरा एरिया है जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन. सैनिटेशन जब तक नहीं है तो हेल्थ उसके बिना हो नहीं सकती. तो जैसे विश फाउंडेशन की बात थी, तो उन हॉस्पिटल्स में जो सैनिटेशन का काम है, दैट कैन ऑल्सो बी गिवन टू लोकल पीपल, और उनको वी कैन फाइनेंस अंडर मुद्रा स्कीम. जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं सफाई के लिए और जो भी है, वो वी कैन फाइनेंस अंडर मुद्रा स्कीम. तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि हम एसोसिएट हो सकते हैं, एंड
हमारा बैंक एटलीस्ट इस पीपीपी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है। दूसरा, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये राजस्थान में इन्होंने लीड ली है। अभी हालांकि बजट में ये पहली बार आया था, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, और अभी उन्होंने बढ़ा के 1 लाख किया है। राजस्थान ने ऑलरेडी लीड लिया हुआ है बाबा साहब स्वास्थ्य बीमा योजना में, और इसमें हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म, जैसा कि रिक्वायरमेंट थी, शॉर्ट नोटिस पे प्रोवाइड किया, तो ये बड़ा मैं यहाँ पर बधाई भी देना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट को जो इनिशिएटिव लिया। एंड आई वुड से कि राजस्थान गवर्नमेंट इज़ दी टॉर्च बियरर इन दिस हेल्थ केयर एरिया इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, मैं डॉक्टर्स के लिए भी जो बताना चाहूँगा, नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास जो हमारी स्कीम है संजीवनी, और उसमें पूरा फ्रीडम है आपको किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करना है। टर्म लोन या ओडी जो आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप ले सकते हैं, और इसमें 1 करोड़ तक की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बिना किसी कोलेटरल के, जो आप अपना लैंड बिल्डिंग या नर्सिंग होम लगाते हैं, दैट वुड सफाइस। और अगर नहीं भी है तो आप CGTMSE का कवरेज ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस। तो ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। ज़्यादा चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, प्रेजेंटेशन भी मैं अपना स्किप करता हूँ। एक बार मैं आप सभी से, मेरा सबमिशन है कि इस तरह से कोई भी अगर बेनिफिशरीज लाइक विस फाउंडेशन में भी अगर आपके नोटिस में आते हैं, तो अगर आप हमसे उनको एसोसिएट करेंगे तो वी विल बी इन अ पोजिशन टू स्ट्रेंथन दिस PPP मॉडल फर्दर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सो प्लीज बी ऑन स्टेज। आई रिक्वेस्ट, I think again, Mr. Kuruvilla, George Kuruvilla. Sir, we will present you a speaker memento. CMD Basil to present a memento to our speaker from Punjab National Bank.